चलिए जान लेते हैं मई के महीने में इंडियन फोर व्हीलर ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर 10 सबसे कम बिकने वाले गाड़ियों के बारे में। 10th पोजीशन पर है जीप कॉम्पस, जिसकी मई के महीने में 316 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइजेस की तो लगभग 21,45,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरियंट 31,64,000 रुपये तक मिलता है। 9th पोजीशन पर है टोयोटा की हाइलक्स, जो कि एक पिकअप ट्रक है। लगभग 30,40,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 38 लाख रुपये तक मिलता है। मई के महीने में सिर्फ 300 यूनिट से बिक पाई है हाइलक्स की पूरे भारत के अंदर। उसके बाद 8th पोजीशन पर है एमजी क्लस्टर, जिसके मई के महीने में 217 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइसेस की तो लगभग 38 लाख रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 42,40,000 रुपए तक मिलता है। 7th पोजीशन पर है हुंडई की इलेक्ट्रिक गाड़ी आयोनिक 5। मई के महीने में आयोनिक की 160 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइसेस की तो लगभग 46 लाख रुपए से शुरू होता है इसका एक शोरूम प्राइस। 6th पोजीशन पर है स्कोडा कोडियाक, जिसकी मई के महीने में 157 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइजेस की तो लगभग 38 लाख रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 41,40,000 रुपए तक मिलता है। उसके बाद 5th पोजीशन पर है हुंडई की एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी कोना, जिसकी मई के महीने में 84 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइजेस की तो लगभग 23,84,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरियंट 24 लाख रुपये तक मिलता है। उसके बाद 4th पोजिशन पर है किया की EV6, जिसकी मई के महीने में 83 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। लगभग 61 लाख रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 66 लाख रुपए तक मिलता है एक शोरूम प्राइस। 3rd पोजीशन पर है महिंद्रा की माराजो, जिसकी मई के महीने में 33 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइसेस की तो लगभग 13,40,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरियंट 16 लाख रुपये तक मिलता है। उसके बाद 2nd पोजीशन पर है स्कोडा की सुपर्ब, जिसकी मई के महीने में सिर्फ 10 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। लगभग 34,17,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 37,27,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम प्राइस। और अब बात करते हैं सबसे कम बिकने वाले गाड़ी के बारे में, तो वो है सिट्रोन की C5 एयर क्रॉस, जिसकी मई के महीने में सिर्फ 6 यूनिट से बिकी है पूरे भारत के अंदर। C5 एयरक्रॉस का बस एक ही वेरिएंट मिलता है इंडियन मार्केट में, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 37,17,000 रुपये से। तो ये था मई के महीने में सबसे कम बिकने वाले 10 गाड़ियाँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।